किसानों का और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक पुराना और गहरा नाता है। पुराना इतना कि 1967 से पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी PAU ने एक शुरुआत की थी किसान मेले के नाम पर। किसान मेला यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित किया जाने लगा, जो लगातार चल रहा है, आज भी होता है। और इसके साथ किसानों के अपने ताल्लुकात को और बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी की एक और पहल है, वो है किसान मिल्ली, जो अभी एक दिन पहले ही 2 दिन की किसान मिल्ली आयोजित की गई थी, जिसमें NRI फार्मर्स को, यानी कि जो पंजाब से जाकर या हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट से जाकर, हालांकि अभी पंजाब से ही आए थे, लेकिन बहुत सारे हिंदुस्तानी फार्मर्स जो हैं वो विदेशों में खेती कर रहे हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया गया था, ख़ासतौर से पंजाब के किसानों को। ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी का क्या है, क्या यूनिवर्सिटी का मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ किसानों को जोड़ने का, आइए जानते हैं वाइस चांसलर साहब से। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे थे कि किसानों का जुड़ाव 1967 से आपने किसान मेला आयोजित किया हुआ है, यहाँ POU में हो रहा है, तो क्या इसका मकसद रहा जिसका आप जिक्र कर रहे थे? इसका मकसद ये है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो फार्मर्स के लिए कर रहे हैं। तो जितनी भी रिसर्च हम करते हैं, जैसे नई नई वैरायटी निकालते हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी देते हैं, प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी देते हैं, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी देते हैं, हम ये चाहते हैं कि ईच एंड एवरी टेक्नोलॉजी ये फार्मर तक जानी चाहिए, जिसका उसको फ़ायदा होना चाहिए। तो जो किसान मेला है, वैसे तो हम TV के भी बहुत रिकॉर्डिंग करते रहे हैं, लिटरेचर भी छापते हैं, पर जो एक किसान मेला है, ये एक यूनिक चीज़ है जिसमें हमारा 1-to-1 कॉन्टैक्ट होता है। जैसे जब किसान मेला लगता, हमारे जितने साइंटिस्ट हैं वो जितनी टेक्नोलॉजी हमारी होती है उसको वो डिस्प्ले करते हैं, उसकी एग्जीबिशन लगाते हैं। तो ऐसे ही फील्ड में जो हमारी नई नई वैराइटीज़ होती हैं उसके हम वहाँ पे प्लॉट लगाते हैं कंपैरिजन में। तो कहते हैं, हम इंग्लिश में कहते हैं, सीइंग इज बिलीविंग। जो हम खुद आँखों के साथ देख लेते हैं ना, हम विश्वास कर लेते हैं। तो जो फार्मर यहाँ पे फिर आते हैं, वो एक तो जो एग्जीबिशन हमारी सर्टिफिकेट लगती है, एक एक स्टॉल को जाकर देखते हैं कि क्या है ये, फिर फील्ड में जाकर देखते हैं कौन सी वैरायटी कैसे लगती है, कितने दिन में पकती है, कैसे देखने में लगती है, वो देखते हैं खुद आँखों के साथ, वो बिलीव करते हैं कि हाँ ये बढ़िया है, नेक्स्ट ईयर मैं यही लगाऊँगा, हमारे से सीड लेकर जाते हैं। एक तो ये है कि जो हम उनको बताना चाहते हैं वो उन तक पहुंच जाता है, वो आँखों के साथ देख लेते हैं। दूसरा, हमारा इसका और बहुत बड़ा फायदा है, वो गांव-गांव से आते हैं, हमारे जो टीचर हैं वो गांव-गांव में नहीं जा सकते, टीचर नंबर बहुत कम है, उनसे हम फीडबैक लेते हैं, उनको पूछते हैं। आजकल तो हमने ये भी कर दिया कि हम क्वेश्चनर डेवलप किए हुए हैं, जब मेले में वो आते हैं, जैसे एक मेले में एक दिन में 1.5-2 लाख फार्मर आता ऑफ देयर ओन, तो हम हमारे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं तो उनको कहते हैं कि ये फार्म भरे, उनके एक एक उनको लेकर जाओ, जो उनकी मुश्किलें आ रही हैं, कोई नई कीड़ा आ रहा है, नई बीमारी आ रही है, कोई और मुश्किल आ रही है, उनसे पूछकर इसमें भरवा लो उनसे, तो हमारा डाटा भी जनरेट होता है। वंस वी गेट दी फीडबैक फ्रॉम दी जो किसान हैं जो खेती कर रहे हैं, उस फीडबैक हम देखते हैं कि हम उस पर हमें क्या नई रिसर्च करने की ज़रूरत है। सो वो फीडबैक हमारे लिए इतनी कीमती होती है, हम जो अपनी रिसर्च है वो उसी तरह हम उसको मोड़ लेते हैं। तो इट्स ए 2-वे प्रोसेस, हम उनको बता रहे हैं क्या टेक्नोलॉजी, क्या नई वैरायटी, तो वो सीख कर जाते हैं, उनसे हम पूछते हैं क्या मुश्किलें आ रही हैं, तो मुश्किलें हमें पता चल जाएगा, जो हम रिसर्च करेंगे वो एक नीड बेस्ड रिसर्च, जो फार्मर चाहते हैं कि ये हमें चाहिए, ऐसी हम रिसर्च करने लग जाते हैं। ये दूसरा मौका था जब आपने NRI फार्मर्स को भी इनवाइट किया आपने यहाँ, इसका क्या मकसद है? जो वो मेला मैं बता रहा हूँ 1967 से लग रहा है, उसमें क्या होता था, फार्मर जी यहाँ पे आते थे, हमारे साइंटिस्ट, सो इट वाज ए इंटरेक्शन इंटरफेस फार्मर्स की और साइंटिस्ट की। ये जो हमारी नई सरकार है, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं सरदार भगवंत सिंह जी मान, वो खुद किसान के पुत्र हैं। जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं सरदार कुलदीप सिंह जी धाड़ीवाल, वो भी खुद खेती करते हैं, छोटे किसान हैं, मतलब किसान के पुत्र हैं, उनको ये पता है कि किसानों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो चाहते हैं कि पंजाब के किसानों की हम उनकी जो बाजू है ना उसको पकड़ें, उनको उठाएं, उनको अपलिफ्ट करें और उनकी सहायता करें,
ताकि जो किसान है बेचारा पिस रहा है उसको हम ऊपर उठाना है। तो उसी की वजह से ये हमें हमारे सीएम साहब जो सरदार भगवान सिंह जी मान हैं उन्होंने हमें हमारे साथ मीटिंग की, कहते मैं ये चाहता हूँ कि इसमें हम किसानों को भी इन्वॉल्व करें, गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करें, साइंटिस्ट को भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि किसान बताएंगे प्रॉब्लम क्या है, यूनिवर्सिटी बताएगी उसका सलूशन क्या है, पर उसको जो इम्प्लीमेंट करना वो सरकार ने करना, जैसे नहरों में पानी छोड़ना, ट्यूबवेल में बिजली छोड़नी है, वो सरकार के काम है। वो कहते जितनी देर तीन इकट्ठे नहीं बैठेंगे तो फिर सारा सही काम नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। सो इस जो ये सोच थी जो, उसके लिए हमने 12 फरवरी को सबसे पहली सरकार किसान मिलनी की थी यहाँ पे हमारे पीयू में। तो वो ये जो कंसेप्ट है, फिर वो जैसे हमने किसान मेला सबसे पहले इंडिया में 1967 में लगाया था, ये कंसेप्ट भी जो है सरकार किसान एंड साइंटिस्ट इकट्ठे बैठे हैं ये भी पहला है। सो दैट वाज दी फर्स्ट सरकार किसान मिलनी। अब उसमें सक्सेस बहुत हुई, हमने तो 8000 फार्मर को बुलाया था लगभग, तो उसमें 15000 आ गए, उत्साह बहुत था। फिर उसके बाद हमने रख ली कि और इसका फ़ायदा हो रहा है, लोग कहते इसका फ़ायदा हो रहा है। जो फार्मर कहते थे हमारी नहर में पानी नहीं जा रहा, हमारे को अच्छा सीड नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करो, बिजली नहीं मिलती, बिजली आती है रात को आती है, हमने भी सोना होता, हमें दिन में बिजली दे दो, ये सारी गवर्नमेंट कर रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है कि जैसे कपा हमारा कॉटन है, कॉटन का हम ये कहते हैं कि 10 अप्रैल को हम सोइंग स्टार्ट कर देते हैं, बिजाई ये हो उसकी बुआई है, तो फार्मर कहता 10 अप्रैल से पहले मेरे खेत में पानी आना चाहिए, और वो पानी भी एंड तक जाना चाहिए टेल पे, जो टेल पे फार्मर होते हैं उनके तक पहुँचता ही नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की थी इस बार, इतनी मीटिंग की है कि जहाँ भी नहरी पानी लगता है वो कॉटन की बुआई से पहले 10 जो अप्रैल उससे पहले पहले आना चाहिए, वो आ रहा है, उसके बाद वो टेल तक पहुंचना चाहिए जा रहा है, बिजली कब चाहिए फार्मर को वो भी कर रहे हैं। सो जो ये किसान मिल की उसी का आउटकम है, गवर्नमेंट बीच में आ गई तो वो इम्प्लीमेंट कर रही है। तो उसके बाद फिर हम ये जो आगे NRI वाला कंसेप्ट है, तो उसमें ये चाहते थे कि पहले तो हमने जो मीटिंग की है वो पंजाब फार्मर के साथ ही की है, गवर्नमेंट के अधिकारी थे और हमारे साइंटिस्ट थे, हम इसको और आगे बढ़ाएं। हमें पता है कि हमारे पंजाबी फार्मर्स बहुत सारे, जैसे USA है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो उन्होंने बहुत ग्रो किया है, बड़ी ज़मीन उनके पास 5000 एकड़, 10000 एकड़, 50000 एकड़, 70000 एकड़, तो जब वो यहाँ से गए थे वो $20 लेकर ही जाते थे, बैंक ट्रांसफ़र नहीं था होता, सो $20 लेकर गए हैं, उनके जो ब्रदर हैं, कजन्स हैं, यहीं पे वो ज़मीन छोड़ गए, यहीं पे पैसा छोड़ गए, सिर्फ $20 पॉकेट में चले गए। अब अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो जो ये $20 लेकर गए हैं ये तो बहुत बड़े बड़े फार्मर बन गए वहाँ पे, कोई बदामा का किंग है, कोई सौगी का किंग है, कोई ब्लूबेरी का किंग है, कोई पोटैटो किंग है, उनके जो काउंटर पार्ट यहाँ पर रह गए वो वही बैठे हैं और रेदर नीचे ही आ रहे हैं। भी कुछ तो है जो वो फार्मर वहाँ पे हैं और यहाँ पे रह गए, इनमें क्या कोई ये गवर्नमेंट पॉलिसी है वहाँ की और ये कोई टेक्नोलॉजी है वहाँ की जिसकी वजह से वो इतना फ्लोरिश कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पीछे को जा रहे हैं। तो हमने बात की तो गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट की कि ये बहुत हमें करना चाहिए, कि अगली मीटिंग में हमने हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो कहते ये बहुत बढ़िया आइडिया है, हमें उनको भी बुलाना चाहिए। तो हमने फिर इस बार 5 कंट्री के हमारे एक अभी ना था हमारे पास, तो हमने कांटेक्ट किया हमारे डॉक्टर विशाल वेक्टर, तो हमारे एसोसिएट डायरेक्टर जो आउटरीच एक्टिविटीज़ हैं वो देख रहे हैं, तो इन्होंने सब कांटेक्ट करना शुरू किया। एक महीने में हमारे पास 20-25 वहाँ से एप्लीकेशन आ गई कि हम आना चाहते हैं, तो इट वॉज़ ए वेरी गुड रिस्पॉन्स। रेदर हमने ये सोचा कि हम उन्हीं को बुलाएँ जो खेती करते हैं, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं। हमने स्क्रीनिंग की, सिलेक्शन की, हमने 15 फार्मर वो बुलाए जो वहाँ पे रियली एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो जिसको भी हमने अप्रोच किया वो कहता मैं ठीक है, टाइम कम है, वो खुद अपनी टिकटें लेकर आए हैं, अपना काम छोड़ कर आए हैं, तो गर्मी में आए हैं, वो कहते PA ने हमें बुलाया, इट्स अ बिग ऑनर। ये डॉक्टर शायद जो एक रूट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये मैगजीन भी शायद उनसे ही संबंधित है। यस, तो जितने वो फार्मर्स हमने इन्वाइट किए थे 5 देशों से, उनको हमने यहीं बैठकर
तो एक विद इन वन मंथ हमने एक एक को इंटरव्यू किया। हमारे प्रोफेसर साहबान हैं यहाँ पे, उन्होंने सभी के साथ इंटरव्यू किया, उनसे पूछा आप कहाँ पे रह रहे हो, कितनी देर से रह रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी जो खुशहाली है तो उसका क्या कारण है, उस वो जो उनकी सक्सेस स्टोरीज हैं हमने इसमें छपी हैं। तो इसको हमने नाम दिया है जो 15 की 15। उनकी ये भी है जो वो फील्ड पे उनके इक्विपमेंट हैं, फील्ड ऑपरेशंस हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ, फार्मर की फ़ोटोग्राफ, उनका ईमेल आईडी भी दिया। सो हमने जैसे एक एक फार्मर का ऐसे सारा एक साइड पे हमने इंग्लिश में लिखा उनकी जो प्रोग्रेस है, जीवनी है, दूसरी साइड पे पंजाबी में किया। पंजाबी में इसलिए किया कि जो हमारे पंजाब के फार्मर हैं वो इसको पढ़ लें, वो पढ़ें। तो इंग्लिश में इसलिए किया ये डॉक्यूमेंट उन कंट्री में जाना है, वो जो प्रोग्रेसिव फार्मर इधर वाले हैं ना वो भी इसका फ़ायदा उठाएंगे कि हम पीयू में गए थे, उन्होंने हमें ये ऑनर किया है, हमारे काम को रिकॉग्नाइज़ किया है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है, हमारे फार्मर जो हैं वो भी पढ़ लेंगे। तो ये ईमेल आईडी इस पे दिया, सभी का कॉन्टेक्ट दिया है, सो एक दूसरे के साथ उनका रब्ता हो जाएगा, फ्यूचर में एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे वो। तो ये थे हमारे साथ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सतवीर घोसाल साहब, जिन्होंने बताया कि जो यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है, अगर हम किसानों को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, उस रिसर्च से नहीं जोड़ेंगे, तो फिर हमें फीडबैक कैसे मिलेंगे, हम किसानों की परेशानियों को कैसे समझेंगे। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने मार्केटिंग को लेकर जो किसानों की परेशानी आ रही है उसके बारे में भी चर्चा की, और बहुत सारी सलाह और सुझाव जो हैं वो किसानों के लिए दिए। तो इसी तरह के और जानकारी के लिए आप देखते रहें किसान तक।